हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। फ्रेंड्स, दो दिन पहले मैंने आपको दिल्ली पुलिस वैकेंसी के रिगार्डिंग एक वीडियो प्रोवाइड किया था, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि एसएससी सीएपीएफ एसआई की वैकेंसी के थ्रू ना कि आप केवल हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज के अंदर एसआई की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन ले सकते हो, बल्कि दिल्ली पुलिस के अंदर भी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर पहुंच सकते हो। जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि भैया एसएससी सीएपीएफ एसआई की वैकेंसी के रिगार्डिंग एक कंप्लीट डिटेल वीडियो लेकर आइए, क्योंकि इस वैकेंसी के लिए हम अभी से तैयारी शुरू करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने एक बार बोल दिया, मैं भी हाजिर हूं आपके लिए जबरदस्त वीडियो लेकर। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में 2022 में आने वाली एसएससी सीएपीएफ एसआई वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। फ्रेंड्स, ये तो आप अच्छे से जानते होंगे, एसएससी सीएपीएफ एसआई की वैकेंसी के थ्रू जितने भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज है, जैसे कि सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी इंक्लूडिंग दिल्ली पुलिस, इन फोर्सेज के अंदर आप एसआई की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन ले सकते हो। फ्रेंड्स, ऑल इंडिया की अपॉर्चुनिटी होती है, मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए एकदम बिंदास वैकेंसी होती है। इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर आपको डिटेल से समझाऊंगा, साथ ही इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट क्या मांगी जाती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है, साथ ही एग्जाम पैटर्न को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करने वाला हूं। साथ ही फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, हाइट, चेस्ट, वेट कितनी मेजर इसमें होती है, साथ ही रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। सिलेक्शन होने के बाद किस फोर्स के अंदर एसआई की पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी मिलती है, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम सेंटर्स के बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा, साथ ही फ्रेंड्स प्रमोशंस के क्या चांसेस रहती हैं, एसआई की पोस्ट के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपको प्रमोशन मिलता है, किस फोर्स के अंदर क्या प्रमोशन के चांसेस रखे हुए हैं, साथ ही फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होता है, फाइनल कट ऑफ किस तरह से बनती है, साथ ही फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, मतलब आपको कौन सी फोर्स मिलेगी ये किस तरीके से डिसाइड किया जाता है, इन सभी डिटेल्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी होती है, इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल वैकेंसी में से एक वैकेंसी होती है। 2022 के अंदर भी ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लगने वाली है, तो वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फाइनली वीडियो शुरू कर लेते हैं, बट उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, वे टू सक्सेस की सामान्य अध्ययन की ये वाली किताब लगातार 10वें दिन फ्लिपकार्ट के ऊपर ऑल प्रोडक्ट्स में ट्रेंडिंग नंबर 1 पर चल रही है। ये सब कुछ आपके प्यार की वजह से हुआ है। पहले भी आपको बता चुका हूं, ये कोई साधारण किताब नहीं है, ये बहुत ही क्रांतिकारी बुक साबित हो रही है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट के लिए। ऑल इंडिया का हर एक स्टूडेंट इस बुक को बहुत ज्यादा पसंद कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी जीएस के अंदर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हैं तो बुक को परचेज कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बुक फ्लिपकार्ट के ऊपर भी अवेलेबल है। तो चलिए भाई, बात करते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। फ्रेंड्स, हर साल सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज के अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर इस वैकेंसी को एसएससी कंडक्ट कराता है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हर साल सभी फोर्सेज को कंबाइंड करके इंक्लूडिंग दिल्ली पुलिस लगभग 1500 के आसपास होती है। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी इसमें दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, ये होती है ग्रुप सी की पोस्ट। बाकी जो सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी के अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, ये सभी ग्रुप बी की पोस्ट है, नॉन गैजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल की हमारी पोस्ट होती है। ग्रेड पे बहुत ही अच्छा है, आगे मैं आपको बताने वाला हूं। फाइनली बात कर लेते हैं 2022 के अंदर ये वैकेंसीज कब आ सकती है, साथ ही इसके एग्जाम कब होगा। फ्रेंड्स, 14 अगस्त 2022 को इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे, साथ ही इसका जो एग्जाम होगा वो टेंटेटिवली दिसंबर 2022 के अंदर होने वाला है। तो अगर आपको ये एग्जाम फोड़ना है, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं, बाकी एसटी एससी किसी भी फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस इसके अंदर चार्ज नहीं किए जाते। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, सबसे पहले एज लिमिट देख लेते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखेंगे। देखिए फ्रेंड, जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 ईयर होती है, मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर होती है। ओबीसी एसटी एससी कैटेगरी वालों को अपनी एज में रिलेक्शन देखने को मिल जाता है, ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी एससी वालों को 5 ईयर का एज इलेक्शन देखने को मिल जाता है। साथ ही एज आपकी कब से कब तक कैलकुलेट होगी, ये आपको तभी पता चल पाएगा जब इसका ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा 14 अगस्त को। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर
रखी है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पेशली दिल्ली पुलिस SI की पोस्ट के ऊपर पहुंचना चाहते हैं तो जरूरी है कि आपके पास LMV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, मतलब लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि जब आपका PST PET होगा और साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहां पर आपको DL दिखाना होगा। बाकी जो हमारी अदर पैरामिलिट्री फोर्सेज है जैसे कि CRPF, CISF, BSF, IDBP, SSB, इनके अंदर आपको ड्राइविंग लाइसेंस की कोई भी जरूरत नहीं है, केवल दिल्ली पुलिस की पोस्ट के लिए ही आपको ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है। फाइनली बात कर लेते हैं भाई सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। फ्रेंड्स बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 4 डिफरेंट मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। फर्स्ट स्टेज में आपका एक पेपर फर्स्ट होगा या फिर टियर फर्स्ट इसको हम कह सकते हैं, एक 200 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा, CBT ऑनलाइन एग्जाम आपका होगा। सेकंड स्टेज में आपका PST PET यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर होगा, डिटेल से बताऊंगा, वीडियो देखते रहिए। थर्ड स्टेज में आपका पेपर सेकंड होगा जो कि 200 मार्क्स का जनरल इंग्लिश और कॉम्प्रीहेंशन का पेपर होगा, डिटेल से बताऊंगा। फोर्थ स्टेज में आपका मेडिकल टेस्ट होने वाला है, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा और बाद में आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो मेजर 4 स्टेजेस के ऊपर इसका सिलेक्शन प्रोसीजर टिका हुआ है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेज नंबर फर्स्ट, जिसमें आपका पेपर फर्स्ट होने वाला है। ये जो आपका पेपर फर्स्ट होगा ना, ये 4 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, मतलब 4 डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, जिसके अंदर से टोटल 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं। एक क्वेश्चन के लिए आपको एक ही नंबर दिया जाएगा, इसलिए 50 मार्क्स का ये सेक्शन हो जाता है। सेकंड सेक्शन हमारा जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज से आएगा, जिससे टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के अंदर ही। थर्ड सेक्शन हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होगा, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के अंदर ही। फोर्थ सेक्शन हमारा इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का रहेगा, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के अंदर ही। इसी बेसिस पर आपके एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चन हो जाते हैं, 200 मार्क्स का आपका एग्जाम हो जाते हैं। क्वेश्चन पेपर की जो टाइम ड्यूरेशन रहेगी वो आपकी 2 आवर, मतलब 120 मिनट रहेगी। एग्जाम में आपकी 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। फ्रेंड्स अगर आप इसका पेपर फर्स्ट क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा सेकंड स्टेज के लिए, मतलब PST और PET के लिए। बात कर लेते हैं PST और PET में आपका होगा क्या। फ्रेंड्स फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब इसमें आपकी सभी मेजरमेंट होगी, सबसे पहले तो जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट, वेट स्पेशली मेजर होगा। जनरल मेल OBC, मेल और SC कैटेगरी मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट इसमें रखी गई है वो मिनिमम 170 सेंटीमीटर, मतलब 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पर मेल ST कैटेगरी वालों को हाइट में रिलैक्सेशन है, 162.5 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप एलिजिबल हो। वहीं पर फीमेल जनरल OBC SC कैटेगरी वालों की जो हाइट है 157 सेंटीमीटर है, फीमेल ST कैटेगरी वालों को रिलैक्सेशन के बाद 154 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। बात कर लेते हैं चेस्ट के बारे में, मेल जनरल OBC SC कैटेगरी वालों के लिए मिनिमम चेस्ट 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट में मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन, मतलब आपको फुलाव देना होगा, जिसके बाद आपकी चेस्ट 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। वहीं पर मेल ST कैटेगरी वालों को चेस्ट में भी रिडक्शन देखने को मिलेगा, चेस्ट मिनिमम 77 सेंटीमीटर और मैक्सिमम 82 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। क्लियर है। बात कर लेते हैं PET फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के बारे में, जिसमें आपकी रनिंग होने वाली है दो टाइप की, तो साथ ही आपकी इसमें एक लॉन्ग जंप होगा, साथ ही हाई जंप भी आपका इसमें होने वाला है। फ्रेंड्स मेल कैंडिडेट्स के लिए 100 मीटर्स की एक रनिंग होगी, जिसको आपको 16 सेकंड्स में कंप्लीट करना होगा। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट को 100 मीटर्स की रनिंग के लिए 18 सेकंड्स दिए जाएंगे। सेकंड टाइप की जो आपकी रनिंग होगी, मेल कैंडिडेट्स को 1600 मीटर की दौड़ लगानी होगी, जो कि आपको 6.5 मिनट में पूरी करनी है। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट में पूरी करके दिखानी होगी। लॉन्ग जंप के बारे में बात करें, मेल कैंडिडेट के लिए जो लॉन्ग जंप होगा वो 3.65 मीटर्स का होने वाला है, 3 चांस आपको दिए जाएंगे। फीमेल कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप जो होगा वो 2.7 मीटर्स का होने वाला है, 3 चांसेस आपको दिए जाएंगे। वहीं पर मेल कैंडिडेट के लिए हाई जंप जो होगा वो 1.2 मीटर्स का होने वाला है, फीमेल कैंडिडेट के लिए हाई जंप 0.9 मीटर्स का रहने वाला है। साथ ही आपका इसमें शॉट पुट, मतलब कि गोला फेंक भी होने वाला है, जहां पर 16 LBS का आपका गोला होगा, जो कि आपको 4.5 मीटर्स की दूरी पर फेंकना होगा। जो शॉट पुट है ना, वो केवल मेल कैंडिडेट के लिए होता है, फीमेल कैंडिडेट के लिए शॉट पुट वाली प्रतियोगिता नहीं होती। फ्रेंड जो आपके पूरा फिजिकल है ना, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी मार्क नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो
तो डायरेक्टली आप इसकी थर्ड स्टेज में एंटर कर जाते हो। तो फाइनली जिन लोगों ने फिजिकली इसका क्वालिफाई कर लिया होगा वो इसकी थर्ड स्टेज मतलब कि पेपर सेकंड के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, पेपर सेकंड के लिए उनको बुलाया जाएगा। पेपर सेकंड जैसे कि मैंने आपको बताया था इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का होगा, 200 क्वेश्चंस आपके होंगे, 200 मार्क्स का होगा, कंप्लीटली इंग्लिश का होने वाला है। 2 आवर मतलब 120 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी, 0.25 की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। क्लियर है, समझ आ गया? इसको अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद आपको स्टेज 4 के लिए बुलाया जाएगा जो कि आपका मेडिकल टेस्ट होगा। आपका मेडिकल टेस्ट होने वाला है जिस तरीके से इनफोसिस का मेडिकल टेस्ट होता है ऐसे ही होगा। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कंप्लीट डिटेल्स दी होती हैं कि मेडिकल में क्या क्या होता है, पूरी डिटेल्स आपको पता चल जाएंगी, आई शाइट वगैरह क्या होता है। जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप उसमें देख लीजिएगा, या फिर प्रीवियस ईयर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तब तक आप वहां से भी देख सकते हैं कि इसके मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है। क्लियर है? मेडिकल टेस्ट होने के बाद आपकी एक फाइनल कट ऑफ बनेगी, यानी कि जो डिसाइड करेगी कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है या फिर नहीं। अगर फाइनल आपका सिलेक्शन हो रहा है तो कौन सी फोर्स के अंदर एज अ SI की पोस्ट के ऊपर आपको अपॉइंट किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, फाइनल जो आपका सिलेक्शन होगा वो डिसाइड करेगी फाइनल कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ जो बनेगी वो आपके पेपर फर्स्ट के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी, साथ ही पेपर सेकंड के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। पेपर फर्स्ट जो था 200 मार्क्स का था, पेपर सेकंड भी 200 मार्क्स का था, तो दोनों को अगर कंबाइन कर दे कितना हो जाता है 400 मार्क्स। तो फाइनल कट ऑफ जो आपकी बनेगी वो 400 मार्क्स में से बनेगी। जो आपकी कट ऑफ होगी ना ये कैटेगरी वाइज और फोर्सेज वाइज रहने वाली है, यानी कि आपको जैसे कि CRPF SI की कट ऑफ अलग रहेगी, जनरल OBC STSC EWS की, साथ ही दिल्ली पुलिस SI की कैटेगरी वाइज कट ऑफ कुछ अलग रहेगी, साथ ही CISF की SI की कट ऑफ अलग रहेगी। तो हर फोर्सेस की कट ऑफ अलग रहती है, क्योंकि जो फोर्सेस की कट ऑफ होती है ना यही डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सी फोर्स मिलेगी। जब आपका इसमें लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना तो वहां पर आपको अपनी फोर्सेस की प्रेफरेंस देनी होती है ABCDE इस तरीके से करके, कि मैं अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस देता हूं दिल्ली पुलिस SI को, सेकंड प्रेफरेंस मैं देता हूं CRPF SI को, थर्ड प्रेफरेंस CISF SI को, फोर्थ प्रेफरेंस BSF SI को। तो इस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर प्रेफरेंस देनी होती है, जिसके बाद आपके मार्क्स के बेसिस पर, फाइनल कट ऑफ के बेसिस पर, फोर्सेस की डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ के बेसिस पर आपको फोर्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। मान के चलिए आपके मार्क्स 400 में से आ गए 330 और दिल्ली पुलिस की आपने फर्स्ट प्रायोरिटी दे रखी है और दिल्ली पुलिस की कट ऑफ चली गई 332, तो आपको दिल्ली पुलिस नहीं मिलेगी। और सेकंड प्रायोरिटी आपने CISF दे रखी है और आपकी कट ऑफ मतलब CISF की जो कट ऑफ है और आपके मार्क्स उससे ऊपर है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी CISF है, तो आपकी जो प्रायोरिटी आपने दे रखी थी वही आपको फोर्स मिलेगी, आपको दूसरी फोर्स नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो आपकी प्रेफरेंस के बेसिस पर आपको फोर्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो सब कुछ डिपेंड करता है आपके एग्जाम में परफॉर्मेंस के ऊपर, आपके मार्क्स कितने, आपने कितना स्कोर किया है। तो आपको कोशिश करनी है मुझे हाई से हाई स्कोर करना है ताकि आपको अपनी पसंदीदा फोर्स मिल सके, अपनी पसंदीदा पोस्ट आपको मिल सके। एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करें, ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के अंदर एग्जाम सेंटर होते हैं। जब आप इसका फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपके पास 3 चॉइसेस होंगी अपने पसंद के एग्जाम सेंटर चूज करने की। क्लियर हुआ डाउट? फाइनली बात कर लेते भाई इनिशियल इनहैंड सैलरी के बारे में, कि किस फोर्स के अंदर आपको कितनी सैलरी मिलेगी आफ्टर ज्वाइनिंग। अब देखिए जितनी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो सभी ग्रुप बी की हैं और दिल्ली पुलिस ग्रुप सी की है, लेकिन फिर भी जो आपकी पे है, जो आपका सैलरी रहेगी वो एकदम सिमिलर है, कोई भी डिफरेंस आपकी सैलरी में नहीं है। किसी भी फोर्स के अंदर आप सिलेक्शन ले लो, आफ्टर सिलेक्शन आपकी सैलरी एकदम सेम रहेगी। जो आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी रहेगी ना जस्ट आफ्टर सिलेक्शन, वो आपकी 46,000 मतलब 46,000 के आसपास रहेगी विद ओल्ड एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर 7th पे कमीशन। और हर साल आपको सैलरी में अच्छा खासा इंक्रीमेंट मिलेगा, जिसके बाद आपकी फाइनल सैलरी 1,22,000 से भी ज्यादा हो जाएगी। फाइनली बात कर लेते हैं प्रमोशन के बारे में, कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के बाद कौन सी पोस्ट के ऊपर आपको प्रमोशन मिलेगा। देखिए फ्रेंड, जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, अगर उनमें आप किसी भी फोर्स के अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन ले लेते हो, उसके बाद जो आपका प्रमोशन होगा वो सूबेदार मेजर की पोस्ट के ऊपर होगा। सूबेदार मेजर की पोस्ट के बाद आपकी रैंक आती है असिस्टेंट कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के बाद आपकी रैंक आती है डिप्टी कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट के बाद आती है आपकी कमांडेंट, और फिर सीनियर कमांडेंट, फिर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, फिर इंस्पेक्टर जनरल, इस तरीके से आपकी चलती रहती है। प्रमोशन
के जो चांसेस होते हैं ना, वो आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग भी आपको प्रमोशन मिल जाते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, लीव वगैरह आपकी कोई खास नहीं है। और एक टाइम भी इसमें होता है, मतलब 6-7 साल काम करने के बाद आपको प्रमोशन मिलना निश्चित ही है, मतलब डिपार्टमेंट के अंदर प्रमोशन, और साथ ही डिपार्टमेंटल के अंदर प्रमोशंस के चांसेस भी निकलते हैं, जहां पर आपको फॉर्म अप्लाई करके थोड़ा सा एग्जाम वगैरह देना होता है, जिसके बाद भी आप प्रमोशन को ग्रैब कर सकते हो। तो प्रमोशंस के कई चांसेस है, लेकिन सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर मिनिमम 4 साल तो आपको काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको सेकंड प्रमोशन मिलेगा सूबेदार की मेजर के पोस्ट के ऊपर, ठीक है, मिनिमम 4 साल। वहीं पर दिल्ली पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट से आप इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर पहुंचते हो, इंस्पेक्टर की पोस्ट से आप ACP असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस की पोस्ट के ऊपर पहुंचते हो, तो इस तरीके से आप बढ़ते चले जाते हो। तो ये प्रमोशन के है। जॉब लोकेशन के बारे में बात करें, जैसे कि आपको पता ही है ऑल इंडिया की वैकेंसी है, तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर ही आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। जैसे कि अगर BSF SI की पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन होता है, तो BSF की पोस्टिंग बेसिकली कहां पर होती है, तो वहीं पर आपको जाना पड़ेगा। CISF की पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन होता है, तो CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्सेज है, तो मेट्रोज वगैरह जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वहां पर भी दिल्ली वगैरह के अंदर आपके चांसेस हैं। CRPF है, जहां पर CRPF की पोस्टिंग रहती है, तो वहां पर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। अगर दिल्ली पुलिस है, तो ऑब्वियसली दिल्ली पुलिस के अंदर आपकी मतलब दिल्ली के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, दिल्ली के अंदर आपकी पोस्टिंग रहेगी। SSB है, तो वहां पर आप जाओगे ईस्ट के साइड में। तो इस तरीके से आपका चलता रहेगा, जॉब लोकेशन के बारे में आपको पता ही होगा। तो भाई जबरदस्त पोस्ट है, कोई भी कमी पोस्ट के अंदर नहीं है, डायरेक्ट आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर पहुंच सकते हो, एक हायर पोस्ट आपको मिलती है, एक रैपिड जॉब है, एक बढ़िया सैलरी के ऊपर आप पहुंच जाते हो, बस थोड़ी सी मेहनत है, कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं है, सिंपल सा सिलेक्शन प्रोसीजर है, बस मेहनत के ऊपर अगर बिलीव है कि हां मैं कर सकता हूं, डेली में 5-5, 6-6 घंटा डेडिकेशन के साथ पढ़ूंगा, लेकिन मुझे ये पोस्ट छोड़नी है, तो यार आप कर सकते हो, कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो भाई यही है आज का डिटेल वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों का शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आजकल इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैं काफी एक्टिव हूं, सोनू अहलावत के नाम से आपको मिल जाऊंगा, वहां पर भी आप फॉलो कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।